أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Class 12th Subject Political Science Topic Short Answer Type Questions Question इस तरह से है Write two positive consequences of Green Revolution यानी Green Revolution के हमें दो features लिखने हैं जो advantages में आते हैं यानी positive features नंबर फर्स्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आई दैट्स इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन नंबर फर्स्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आई दैट्स इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन नंबर सेकंड इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट स्टेट एट द ग्लोबल लेवल नंबर थर्ड इट रिड्यूसेस पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर यानी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नंबर फर्स्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आई दैट इज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन नंबर सेकंड इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट स्टेट एट द ग्लोबल लेवल नंबर थर्ड इट रिड्यूसेस पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर नंबर सेकंड क्वेश्चन गिव टू रीजनस ऑफ फर्स्ट गल्फ वॉर गल्फ वॉर के दो रीजनस हमें देने हैं ऑन 2 अगस्त 1990 इराक अटैक्ड कुवैत इराक रिफ्यूज्ड यूएन रेजोल्यूशंस यूएसए वांटेड टू टॉपल सदाम हुसैनस गवर्नमेंट एंड टू कंट्रोल ऑयल रिजर्वर्स ऑफ इराक यानी मेन रीजनस ऑफ फर्स्ट गल्फ वॉर ये था कि ऑन 2 अगस्त 1990 इराक अटैक्ड कुवैत इराक रिफ्यूज्ड यूएन रेजोल्यूशंस नंबर थर्ड यूएसए वांटेड टू टॉपल सदाम हुसैनस गवर्नमेंट and to control oil reservoirs of Iraq. Write a short note on India's policy of neutrality. India's policy of neutrality kya tha? Yani non-alignment movement. After the end of Second World War, bipolarity emerged at the global level between USA and USSR. At this juncture, India adopted policy of neutrality, i.e. that's aloofness from bloc politics or aloofness from कोल्ड वॉर यानी सवाल इस तरह से था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी इसका आंसर यह है आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाइपोलरिटी एमर्जड एट द ग्लोबल लेवल बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर एट दिस जंक्शन इंडिया अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी आई दैट इज एलोपनेस फ्रॉम ब्लॉक पॉलिटिक्स और सेपरेटनेस फ्रॉम कोल्ड वॉर इसी तरह से सवाल है What was Operation Infinite Reach? Operation Infinite Reach क्या था What was Operation Infinite Reach? It was the code name for American cruise missile strikes on Al-Qaeda bases in Afghanistan. The attacks were in retaliation for the Al-Qaeda bombing on American embassies in Kenya and Tanzania in 1988, which killed more than 200 people. यानी ऑपरेशन इन्फेनाइट रीच क्या था इट वॉज द मिलिट्री इट वॉज द कोड नेम फॉर अमेरिकन क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अलकायदा बेसिस इन अफगानिस्तान द अटैक्स वायर इन रिटेलेशन फॉर अलकायदा बॉम्बिंग्स ऑन अमेरिकन एम्बेसिस इन कीनिया एंड तंजानिया इन 1988 विच किल्ड मोर देन 200 पीपल थैंक्स हैव अ नाइस डे